अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो में हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन का टॉपिक कवर करने जाएंगे। If you're planning to go for MBA entrance exam, you can download the Grader app. They're offering you various courses and they're also offering you various discount. You can test your knowledge with their test series. You can get great faculty there, enroll the courses and start studying. They're offering you various discount already, but to get an additional 5% discount, you can use our code COLLEGE60. You can download the app from the link in the description. And you can go to Play Store as well. Don't forget to use this code to get additional 5% discount. Start learning, enroll now. तो जो हमारे परक्विजिट हैं, जो सारे ही एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं, उसमें पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन आता है रूल 3(1) के अंदर, तो सबसे पहली बात तो यही लर्न करना है। दूसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ को दो कैटेगरीज़ में बांटा गया है। एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है वो दो टाइप्स के होंगे, अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड। बेसिकली क्या होता है, फर्निश्ड कौन से होते हैं, फर्निश्ड होते हैं जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई भी अदर एमेनिटीज़ घर के अलावा जो दी जा रही हैं वो फर्निश्ड एकोमोडेशन में आ जाती हैं। तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है, मज़ा आएगा करने में आपको। और एकोमोडेशन जो दी जाती है वो हो सकता है रेंट फ्री भी हो और या फिर कुछ कंसेशनल रेट्स पर हो। तो आइए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये है टैक्स ट्रीटमेंट रेंट फ्री एकोमोडेशन का। यहाँ पर लाइसेंस फी होगी टैक्सेबल अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन। यहाँ पर हम माइनस करेंगे अगर कोई एम्प्लॉय ने रेंट पेड कर दिया है, ठीक है, रेंट पेड बाय एन एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय ने कोई रेंट पे कर दिया है वो हम माइनस कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सबके लिए लागू होगा, सबके लिए ही, चाहे कोई भी केस हो, माइनस कर देंगे अगर कोई भी रेंट पे किया है एम्प्लॉय ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज़ की। अदर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर हाउस रेंट पर लिया है या फिर हो सकता है वो हाउस जो दे रहे हैं हम एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयर का ही हो, यानी कि कंपनी ने ही उसे ओन किया हुआ हो। तो अगर कंपनी ओन्ड हाउस है तो हम लोग चेक करेंगे कि जिस जगह पर वो घर है, वो घर जहाँ पर है उसकी स्टेट की, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर वो मेट्रो सिटी है तो यूजली जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनकी 25 लाख से ज़्यादा ही होता है पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। अगर स्मॉल यानी कि 10 to 25 लाख की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, और अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं तो दो किस्से हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो घर है वो एम्प्लॉयर का ओन्ड हो, यानी कि कंपनी ओन्ड हो या एम्प्लॉयर ओन्ड हो, या फिर रेंट पर लिया हुआ हो, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का ओन्ड है तो क्या करना है, हमें देखना है कि वो कौन सी सिटी में है और उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, या फिर 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, या फिर अबव 25 लाख है, तो क्या करना है। अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर 10 to 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, और अगर अबव 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अगर रेंट पर लिया गया है वो हाउस, एम्प्लॉयर का नहीं है, कंपनी का नहीं है, तो कोई भी, या तो जो भी रेंट पे कर रही है कंपनी वही टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रेंट पे कर रहे हैं, एक्चुअली पे कर रहे हैं, या फिर 15% ऑफ सैलरी, जो भी कम है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। तो ये क्वेश्चन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर ए है एक पर्सन जो कि एक पायलट है, ठीक है। ही ड्रॉज 72,000 एज अ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है पहले हम वो लिख लेते हैं।
जो भी हमें पता चल रहा है, अभी हमें पता नहीं क्वेश्चन में क्या निकालना है, बस हमें ये पता है कि जो उसका बेसिक पे है वो कितना है, 72,000 का, 12,000 का उसका डीए है। अब देखते हैं कि जो डीएनएस अलायंस है क्या वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ रहा है, या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो जिसको हम क्या बोलते हैं डीए एंटर, क्या वो डीए एंटर में आ रहा है, तो इट इज़ अंडर दी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ठीक है, तो डीए कितना है 12,000 का, तो यहाँ पर हमारा डीए आ जाएगा 12,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है बोनस 6,000 का, और हमारे पास एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है 6,000 पर एनम। एजुकेशन अलाउंस का आई होप आपको पता हो, जो हमने स्टार्टिंग में जब हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था तो हमने कुछ एक्सेप्शंस में पढ़ा था, एग्जेम्पशंस में, कि क्या एग्जेम्पशन होता है एजुकेशन अलाउंस का। अब ₹100 होता है पर मंथ अप टू टू चाइल्ड, मतलब कि अगर एक बच्चे का हम बात करें तो ₹100 पर मंथ एग्जेम्प्ट है, लेकिन मैक्स टू मैक्स, मैक्स कितने हो सकते हैं, दो ही बच्चों का एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो जो फर्स्ट बच्चा होगा उसका 100 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, और दूसरे बच्चे का भी पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या केस होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, ही हैज़ गॉट टू चिल्ड्रन स्टार्टिंग इन द नियर बाय स्कूल, तो हमें ये पता चल रहा है कि दो बच्चे इनके, तो एग्जेम्पशन दोनों बच्चों की ही मिलेगी। वाइल ऑन ड्यूटी, अगर यहाँ पर तीसरा बच्चा होता तो उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखिएगा। वाइल ऑन ड्यूटी ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फ्लैट, रेंट फ्री फ्लैट मिल रहा है, क्या ध्यान देना है कहाँ मिल रहा है, दिल्ली, यानी कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा, तो यानी कि कितना परसेंट लगेगा, 15% ऑफ सैलरी, ये समझ आता है। द फेयर रेंट वैल्यू ऑफ विचेस, तो हमें रेंट फ्री मतलब जो वैल्यू है वो दे रखी है 30,000 की, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है इस परकेजिट की अगर हाउस अनफर्निश्ड है, और दूसरा केस जब वो फर्निश्ड है। ठीक है, फर्निश्ड कैसे निकलता है, फर्निश्ड निकलता है जो भी हमारी अनफर्निश्ड वैल्यू आएगी ना, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हमारा 10% ऑफ फर्नीचर, यानी कि जो भी हमें फर्नीचर की वैल्यू दी होगी। ठीक है, अगर वो फर्नीचर ओन नहीं है, यानी कि यहाँ पर तो हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग 1 लाख, लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि वो एम्प्लॉयर ओन्ड है या नहीं, तो यहाँ पर हायर चार्जेस दिए होंगे, तो या तो हमें फर्नीचर के चार्जेस दिए होंगे या फिर हमें दिए होंगे हायर चार्जेस, तो दोनों में से जो भी होगा वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा विद अनफर्निश्ड वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि अनफर्निश्ड वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अनफर्निश्ड वैल्यू कैसे निकलती है, हमें पता है कि हमें बेसिक सैलरी चाहिए, हमें पता है कि वो दिल्ली रहता है, और हमें ये भी पता है कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तो हमें ये भी पता है कि हमें 15% ऑफ सैलरी निकालना है। तो अब 15% ऑफ सैलरी के लिए हमें पहले सैलरी कैलकुलेट करना होगा। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैलरी में हमारे पास आता है बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंटर आप इसे लिखिएगा, बोनस और एजुकेशन अलाउंस। अब हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं। 72,000 का हमारे पास बेसिक पे है, डीए भी 12,000 है, पूरा ये आएगा, बोनस 6,000 है। अब एजुकेशन अलाउंस में कुछ एग्जेम्पशन है तो हमें वो ध्यान में देनी होगी, तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास एजुकेशन अलाउंस की कुछ एग्जेम्पशन होती है। एजुकेशन अलाउंस हमारा ₹100 पर मंथ मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो ₹100 पर मंथ है, तो यानी कि हमें पर एनम का चाहिए साल भर का, और साथ ही दो बच्चे हैं तो मैक्सिमम टू तो एग्जेम्प्ट होता ही है, तो इसको अगर आप इंटू करेंगे तो आपका आएगा 2400, तो यानी कि 2400 एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यानी कि टैक्सेबल कितना हो गया वो हम उसमें सैलरी में इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास 6,000 है उसमें से 2400 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास टैक्सेबल जो ईए आ जाएगा वो आएगा 3600 का, तो यहाँ पर ईए आ जाएगा 3600। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाई है एजुकेशन अलाउंस की, ये आपको दिखानी है आपके वर्किंग नोट्स में, तो एग्जाम में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये गिवन आप ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर से, गिवन ये दिखा सकते हैं, लेकिन जो ईए की कैलकुलेशन है वो आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी होगी। ओके, तो जब आप इसे प्लस करेंगे जो भी अमाउंट आएगा उसका 15% निकालेंगे, 15% करके ये वाला अमाउंट आपका अनफर्निश्ड का हो जाएगा, अनफर्निश्ड का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है।
तो ये आपका आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका 93,600, ठीक है। तो इसका आप जो 15% निकालेंगे तो वो अमाउंट यहाँ आना चाहिए। अब ये अनफर्निश्ड है, अगर हम फर्निश्ड की बात करें तो क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट आएगा, जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा अनफर्निश्ड का, उस अमाउंट से आप ऐड कर देंगे जो हमें 10% ऑफ फर्नीचर की वैल्यू दी है 1,00,000 की, इसका 10% यानी कि 10,000, उसमें आप 10,000 को ऐड करेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा फर्निश्ड का। तो बहुत ईजी है ये, जस्ट 15% ऑफ सैलरी निकालना है, वो आपका अनफर्निश्ड है और फर्निश्ड में आप 10% ऑफ फर्नीचर का अमाउंट ऐड करेंगे, आपका फर्निश्ड अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको परक्विजिट का कंसेप्ट समझ आया हो। उसमें हमने अभी तक सिर्फ एक टॉपिक किया है, विच इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।